गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं अपने गुजराती में एक पत्र लेखन। हम इससे पहले लास्ट हमने एक लेटर किया था, फिर एक चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आज हम करेंगे अपना पत्र टू, जो UT 3 में आने वाला है। चलो, इसका टाइटल है तमारो मित्र रम्मत गम्मतमा पहलो नंबर आव्यो छे, ते माटे अभिनंदन आप तो पत्र मित्र ने लखो। यानी कि जो आपका फ्रेंड है रम्मत गम्मत, यानी कि गेम्स में फर्स्ट आया है, यानी कि उसके स्कूल में कंपटीशन हुआ होगा, तो उसमें वो क्या हुआ है, फर्स्ट हुआ है, या तो फिर कहीं ऐसी जगह पे, अभी बहुत सारी जगह पे यूथ के हिसाब से कहीं क्लब में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो जो आपका फ्रेंड है वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आया है, किसमें, गेम्स में, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए, यानी कि शुभेच्छा देने के लिए आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ आएगा एड्रेस, यानी कि जो पत्र लिख रहा है वो धारा के भाटिया, भाटिया, यहाँ पे धारा लिख रही है, आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर 5, समर्पण सोसाइटी, नारायणपुरा, अहमदाबाद। चलो, ये अहमदाबाद से लिख रही है, आपको भी एड्रेस इसी तरह से सही से लिखना है। आप आदिपुर रहते हो वहाँ का, गांधीधाम रहते हो तो वहाँ का, अंजार रहते हो तो वहाँ का, जहाँ पे भी आप रहते हो आपको अपना पता लिखना है। फिर पिन कोड नंबर लिखना है, आपको अपने सिटी का लिखना है। फिर तारीख यानी कि दिनांक, जो डेट है वो लिखनी है। प्रिय मित्र सुरेश, अब वो क्या करिए, धारा सुरेश को पत्र लिख रही है। तारो पत्र मड़ियो, तने तारी साड़ा ने रम्मत गम्मत स्पर्धा में प्रथम इनाम मड़ियू छे, ते जानी ने मने घणोज आनंद थयो छे। अब क्या बोल रही है कि तुम्हारा लेटर मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जान के कि तुम्हारे स्कूल में जब कॉम्पिटिशन हुआ था गेम्स का, उसमें तुम फर्स्ट आए हो। हूँ तने ते माटे खूब खूब अभिनंदन पाठवू छू, यानी कि उस बात के लिए मैं तुम्हें खूब बहुत सारा ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ कि ये कार्य जो किया तुमने, गेम्स में तुमने पार्ट लिया और तुम विनर बने, उसकी मुझे बहुत खुशी है। तने रम्मत रमवानो शौक छे, इटले ज अंकल तने रम्मत गम्मत माटे तालीम अपावी रह्या छे। अब क्या बोल रही है कि तुम्हें ये बात, मतलब ये तुम्हारी हॉबी है, तुम्हें बहुत पसंद है खेलना, और उसके लिए तुम्हारे पापा जो है, यानी कि अंकल, यानी कि सुरेश के पापा क्या कर रहे हैं, उसको रम्मत गम्मत की तालीम यानी कि ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चे, उसके बच्चे को गेम्स में इंटरेस्ट है तो उसी में वो आगे बढ़े, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बहुत जगह पे बच्चों को बैडमिंटन खेलना होता है, चेस खेलना होता है, बास्केटबॉल अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में उसकी क्लासेस चलते रहते हैं, तो बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें भेजा जाता है, ताकि वो उसमें मतलब बहुत अच्छा काम करे, खेले, सीखे और बहुत कामयाबी प्राप्त करे। तारी शाळा माते फुटबॉल ने टुकड़ी में पण स्थान मेळव्यु छे, तने तेमा वधु रस छे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है वो, कि तूने अपनी स्कूल की जो फुटबॉल की टीम है, टुकड़ी यानी कि टीम, उसमें भी तुमने क्या किया है, अपना स्थान हासिल किया है, यानी कि वो उसमें भी है, और क्योंकि उसको फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मने खातरी छे कि तू रम्मत गम्मतना क्षेत्रे घनी सारी प्रगति करीश। अब क्या बोल रहे हैं कि मुझे खातरी, कि मुझे यकीन है कि तुम रम्मत गम्मत के क्षेत्र में, यानी कि उस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करोगे और खूब सारी प्रगति, अचीवमेंट प्राप्त करोगे, ऐसी मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन है। मने आशा छे के आ क्षेत्र में तू खूब प्रगति करीश अने भविष्य में अपनी भारतीय फुटबॉल टीम में तू स्थान प्राप्त करीश। अब क्या बोल रही है वो कि मुझे तो उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, और साथ ही साथ जो इंडिया की फुटबॉल की टीम है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हर लेवल में, तुम उसमें भी एक दिन अपना स्थान बनाओगे, यानी कि उसमें भी तुम चुने जाओगे। रम्मत गम्मत क्षेत्रे वधु प्रगति माटे शुभेच्छाओं पाठवो जो, यानी कि तुम उस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। त्या तारा माता पिता ने मारा प्रणाम, यानी कि मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, लिखतिन धारा।
चलो तो यहाँ पे लेटर पे वो बता रही है कि कैसे स्कूल में कंपटीशन में वो फर्स्ट आया है और इसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो इसी के लिए उसकी ट्रेनिंग की जाती है और फिर आगे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे इसके लिए उसको ऑल द बेस्ट भी बोलती है। चलो यहाँ पे तुम अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो और फिर उसे कोई और गेम पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने हिसाब से लेटर लिख सकते हो, ठीक है? चलो लेटर अच्छे से नोटबुक में कॉपी कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।